हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लाया है दोस्तों, एक सरप्राइज जो कि आपको बहुत ही बड़ा मुसीबत से बचा सकता है। बल्कि ये सरप्राइज है दोस्तों, ये ऑक्शन एक्सप्रेस बोल के एक चैनल खुला है यूट्यूब पे, बल्कि बहुत बड़ा धोखा है दोस्तों। मैं आपको बताना जा रहा हूँ दोस्तों, आप बहुत बड़ा केयरफुल रहिए इस चैनल की वजह से। दोस्तों आप एक बार ये देखिए, ऑक्शन एक्सपर्ट्स खान, ऑक्शन एक्सपर्ट्स बोल के है, मैं अभी क्लिक करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये बंदा आ चुका है ऑक्शन एक्सपर्ट्स खान, ये बहुत ही बड़ा धोखेबाज है दोस्तों। क्यों धोखेबाज है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। आप जब कभी भी इसके चैनल पर जाएंगे तो बी केयरफुल रहिए दोस्तों, ही इज़ ए फ्रॉड दोस्तों, 100% कह रहा हूँ दोस्तों, इज़ ए फ्रॉड। क्योंकि ये बंदा चाहता है कि लोग इस ऑक्शन में जाए और डूबे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस ऑक्शन में जब जाएंगे तो आपको आरसी मिलेंगी नहीं, आरसी बनेगी नहीं दोस्तों। आप तो जाएंगे यूं ही जाएंगे, आप यूं ही परचेस करेंगे, उसका एड्रेस देना पड़ेगा, उसके पेपर्स भी जल्दी नहीं बनेंगे, तो आपके पैसे तो लॉस हो गए ना दोस्तों। आपको गाड़ी अप्रूवल आने को 1 हफ्ता लगेगा। आप देखिए, ये बंदा कहता है कि ऑक्शन है हैदराबाद पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं काफ़ी आप लोगों का फैमिली का प्यार मिल रहा है, और काफ़ी वीडियोस में आपके संगात ऑक्शन की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और काफ़ी सब्सक्राइबर्स मेरे अलवाल में भी जाके गाड़ियाँ खरीदे, कल अपने बोइनपल्ली में भी ऑक्शन था दोस्तों। आप एक बार ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि अलवाल पे है, बोरपल्ली पे, ठीक है दोस्तों आप जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत जाइए, आप जाइए, देखिए परचेज कैसा करना है आप वो देखिए। पहली बात जो चले गया कल एक दिन पहले, काफ़ी वहाँ पर भी गाड़ियाँ खरीदी, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरी यूट्यूब की तरफ से किसी का फ़ायदा हो रहा है, जा रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आपकी। तो कल और एक बजाज का ऑप्शन है, तो जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बस। तो कल बजाज फाइनेंस का ऑप्शन है, लोकेशन के बाद जो उसका लिंक रहता, आप लोग लोकेशन का लिंक रहेगा वगैरह भी आप लोग को चेक करना है तो चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि चालन कितना भी रहें दो, फाइनेंस सर की ऑप्शन स्टार्ट होता, लेकिन 10 बजे इसलिए रहना बोलो, आप जा सकते हैं, गाड़ियां देख सकते हैं, चालन वगैरह भी आप लोग को चेक करना है तो चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि चालन कितना भी रहें दो, फाइनेंस सर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितना भी चालन रहेगा वो आपको खुद को पे करना है, तो चालन वगैरह चेक कर लो उससे, फिर उसके आपको चाहे तो खरीदने के अंदर उसको लेस करके आप खुद खरीद सकते, क्योंकि फाइनेंसर को कोई मतलब नहीं, उस पर चालन हो या नहीं है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आपका काम है कि आप चेक कर लो, पूरा चालन चेक कर लो, कौन सा ITO है चेक कर लो, क्या प्रोसेस करना है, कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, क्या मॉडल ले सकते हैं। काफ़ी लोग कल देख सकते हैं बोइनपल्ली में 2018 की एक्टिवा 20,000। दोस्तों अब ये बंदा कहता है कि चालन जो कुछ भी है खुद ही पे कर ले रहा। दोस्तों जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे ऑक्शन पे तो चालन उसका एक, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल 5,000 है और 10,000 है, तो वो पे करे, वह आप गलती से ले लिए तो आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। बी केयरफुल दोस्तों, अगर आप ऐसी गाड़ी ले लिए तो आप खाली बिली फंस जाएंगे दोस्तों। और एक मैं बहुत ही बड़ा खास बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि RC का, वो यही बंदे के मुँह से आएगा। आप देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा चौक खाए जाएंगे कि गाड़ियों का RC नहीं बनेगा दोस्तों, बल्कि आप बहुत ही बड़ा मुसीबत उठाएंगे। RC फेक RC बनाने से लीगल दोस्तों, एक आएगा कि लीगल है तो एक खुद क्यों नहीं बना रहा दोस्तों। मैं आप यही बात कह रहा हूँ उसे कि जब ये लीगल है तो ये खुद क्यों नहीं बना रहा, इट इज़ नॉट। आप अगर आपने RC बना भी लिया तो ट्रांसफर नहीं होगा दोस्तों, मैं 100% श्योर, ये बंदा धोखेबाज मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना चाहते हो तो शेयर कीजिए दोस्तों, जितने लोगों को चाहते हो उतने लोगों को बताइए कि ऑक्शन एक्सपर्ट्स जो ऑक्शन है वो धोखा है दोस्तों, एक ऑक्शन एक्सपर्ट है चैनल भी, इसको आप कहीं भी देखे तो उसको मार दीजिए, उसको मत छोड़िए, उसको बोलिए आप प्लीज़। मैं आपको बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ दिखा इसके मुँह से, मेरे तरफ से नहीं दोस्तों, बल्कि इसके मुँह से सुनाने वाला। आप देखिए में लिए और कुछ यार्ड रेंट था वहाँ का, क्योंकि हर जगह अलग अलग यार्ड रेंट रहता, हर गाड़ी का रेंट अलग रहता, तो आप जब भी आप ऑक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे एक रवि सर बोले का रेंट रहता, जहाँ पर जो यार्ड रहता ना, जहाँ पार्किंग रहती गाड़ी, उसका रेंट आपको खुद को पे करना पड़ता। तो पहले आप गाड़ी लेने से पहले आप उनसे पूछ लो सर के कितना रेंट है, ऑलरेडी वो लिख। देखिए दोस्तों, यार्ड रेंट पे करना पड़ेगा, चालान पे करना पड़ेगा, गाड़ी का कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा, गाड़ी का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, की डालने को नहीं मिलेगा, को RC नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये क्या है, आप भी सोचिए ना, एक बार दिमाग से सोचिए क्या चल रहा है,
इसके बाद जो मैं बंदा ये धोखेबाज है, तो जब ये खुद बिजनेस कर सकता है, उसको इतना टैलेंट है, तो ये बिजनेस क्यों नहीं कर रहा? आप लोगों को क्यों कह रहा है कि करने के लिए? आए बहुत बड़ा धोखेबाज है दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को एक रुपया भी खो बैठे, ये वैसा बोलता है, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठा है दोस्तों। आप इसका चैनल पर जाइए, ये बहुत बड़ा झूठा है। तो लाइव ऑक्शन होते वक्त क्यों नहीं आता दोस्तों? आप सोचिए ना, जब ये लाइव ऑक्शन होते हैं, आरसी बनाना तो आसान है, तो क्यों नहीं बना रहा? ये खुद ले सकता ना जिम्मेदारी, क्यों नहीं बना के तेरा आरसी देंगे बिटर पे? फिर भी आप अपना काम में पूछ लो कि भाई रेंट है या नहीं है, रेंट है तो कितना है, तो वो हिसाब से 25,000 की गाड़ी है तो आप रेंट के आप खुद कम कर लेना, 4,000 है तो आप 21,000 तक आप लेने की कोशिश करना, ओके। तो आप ये सब चीज़ें पहले पूछ लो अच्छे से, ओके। अब रही पेपरों की बात, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई पेपर कैसा बनाना। देखिए दोस्तों, अब ये जो कुछ भी है ध्यान से सुनिए, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, जो कुछ भी ऑक्शन में जाके गाड़ी खरीदना चाहता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरीवन टू लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा आपको, अगर कुछ भी फर्क हो गया ना तो आप जेल जाएंगे दोस्तों, आप जेल जाएंगे, इतना बड़ा जेल जाएंगे कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये गाड़ी दो गाड़ी के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत ही प्रीशियस है दोस्तों, कभी भी इसके इस जैसे फ्रॉड इंसानों के बात में मत आइए। ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है दोस्तों, ये जब इसको इतना मालूम है आरसी बनाना इतना आसान है, तो ये क्यों नहीं कर रहा बिजनेस? ये दूसरों को क्यों करो बोल रहा है दोस्तों? ये आप सोचिए ना, जो इंसान ये चाहता, आजकल दुनिया कैसा है दोस्तों, चाहता है कि मैं खुद अच्छा रहूँ दूसरे बर्बाद हो, ये बंदा क्यों चाह रहा है कि सब अच्छे पड़े मैं खुद बर्बाद हो जाऊँ? ये बहुत ही चोर है दोस्तों, चोर है दोस्तों। कैसा करना मेरे भाई, आप लोगों को मैं एक मंजिल तक पहुंचा रहा हूं, एक जगह पहुंचा रहा हूं जहां चिप एंड बेस में व्हीकल्स मिले, ओके। अब देखिए नॉर्मली एक्टिवा 5G एक्टिवा 45-50 हज़ार से नॉर्मली आपको कम नहीं मिलती, 25,000 में आप 20,000 का आपका बेनिफिट हो रहा। तो आप सोचो कि भाई पेपर कैसा बनाना है, आईटी एजेंट को पकड़ो, पकड़ के बोलो कि आपको ये चोरी का गाड़ी नहीं ले रहे हैं, आप जाके ऑक्शन में ऑनलाइन खरीद जाके खुद प्रेजेंट होके खरीद रहे हैं, आपको 30-35 दिन के बाद फाइनेंस क्लियरेंस लेटर मिलता, ट्रांसफर लेटर मिलता, आईडी प्रूफ मिलता, सब मिलता। तो एजेंट के पास जाइए, जाके आप खुद पूछो भाई मैं ऐसा गाड़ी लिया हूँ, उसके पेपर का प्रोसेस क्या है, कितना खर्चा होता, वो खुद बताएंगे, ओके। एक जगह जाइए मत, 10 जगह पूछिए, एक जना कम बोलता, कोई ज्यादा बोलता, तो 10 से 20 जगह आप खुद मेहनत कीजिए भाई, मैं आपका काम है आपको वहां तक पहुंचाया। इसके बाद आप खुद हर चीज देखिए, आप एक चीज में पहले पहले आपको मुश्किल होती बनने में, थोड़ा प्रॉब्लम होता क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कीजिए, पहले आप लोग एक गाड़ी लियो, लेके वो पहले रिलीज करो, करके देखो पेपर कैसा बन रहा, कितने में बन रहा, कहाँ का प्रोसेस हो रहा, कौन करके दे रहा, आपका आईटीओ एजेंट कौन सा है, क्योंकि यार लीगल बाइक्स है कौन, इलीगल बाइक्स नहीं है, आप पेपर बना सकते हैं उसका। तो आप आईटीओ एजेंट को पकड़ो जो एक्सपीरियंस वाला है आजकल के नए। देखिए दोस्तों, ये चोर एक कुत्ता है, हरामजादा है दोस्तों, इसकी वजह से मैं जेल गया हूँ ऑलरेडी, मैं जेल जाके पैसे देके मैं बाहर बेल पे आया दोस्तों, आई एम नॉट जोकिंग दोस्तों। ये बंदा है कुत्ता हरामजादा, कहता है कि आप आरसी बना सकते हैं, आप ऑक्शन पे गाड़ी खरीदी है, तो ये क्यों नहीं बना के दे रहा दोस्तों? बल्कि इसके पास तो जब ये बना के देगा तो गाड़ी हर एक इसके पास लेगा, आप गाड़ी जाइए ऑक्शन पे लीजिए, इसके पास आरसी बनाने दीजिए ना, ये खुद बना सकता है ना, तो क्यों नहीं बना रहा? कौन आरटी एजेंट बनाएगा दोस्तों? आप आरटी के चक्कर नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, जब आप आरटी के गलती से भी आरटी एजेंट के पास चले गए तो आपको आरटी एजेंट पकड़ लेगा, और गलती से भी वो आपका जो रिकॉर्डिंग करके स्टेटमेंट वो पुलिस स्टेशन में दिखाया तो आप जेल जाएंगे दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ आप ये 2,000 या 4,000 या 5,000 के चक्कर में मत जाइए दोस्तों, अगर आप डीलर के पास भी लेंगे तो उतना ही गिरेगा, ये 4 या 5,000 ज़्यादा गिरेगा, अगर इससे बेटर क्या होगा, आप फाइनेंस में गाड़ी ले लीजिए, नई गाड़ी ले लीजिए, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मामले में मत जाइए दोस्तों, क्योंकि जाएंगे तो भी आपका लॉस होगा दोस्तों, लाइफ बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, आपको बहुत ही चक्कर घूमना फिरना पड़ेगा। ये क्या है दोस्तों, एड रेंट क्या है, चालान क्या है दोस्तों, बल्कि ये आरसी बनाना क्या है दोस्तों, ये डिजार ही देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आरसी बनाना लीगल है तो फाइनेंसर क्यों नहीं बना के दे रहा दोस्तों? आप पूछिए ना, आप जब कभी भी ऑक्शन पे जाते हैं तो जो फाइनेंसर जो कंडक्ट करता है वो क्यों नहीं आरसी बना के दे रहा, जबकि वो फॉर्म 35 देता है, बल्कि हाइपोथिकेशन का है, बैंक की तरफ से देता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो देता है, तो क्यों नहीं दे पा रहा दोस्तों? आरसी भी देना चाहिए ना दोस्तों, आप भी सोचिए ना, थिंक फ्रॉम योर माइंड, आरसी क्यों नहीं दे पा रहा? उतना ईजी आरसी बनाना होता तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट डू इलीगल वर्क, आप गलती से भी किए कुछ इलीगल वर्क तो आपकी फ्यूचर, आपका घर बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, मैं ऑलरेडी पछता रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा चोर बंदा है, ये बहुत ही चोर बंदा है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इसके चैनल पे मत जाइए, इसके चैनल पे गए तो भी बहुत बड़े केयरफुल रहिए, आप ऑक्शन पे गाएंगे तो जल्द से जल्द कभी भी बिट मत कीजिए, कभी भी गाड़ी मत खरीदिए दोस्तों, इज़ ए फ्रॉड एंड 100% श्योर दोस्तों, अगर ये फ्रॉड नहीं है, ये सच्चा है, तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा दोस्तों, मैं भी आऊँगा ऑक्शन पर, आप देखिए मेरे को, मैं कभी भी कल या परसों में आऊँगा दोस्तों, मेरा मैं भी आके उस ऑक्शन में मेरा भी कुछ
बीडिंग करने का अमाउंट है, मैं भी उसे भी पे किया हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा दोस्तों, मैं इसको इतना आसानी से नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, इसके बातों पे मत आइए। आरसी बनाना इट्स इलीगल दोस्तों, आपको आरटीओ एजेंट खाली पीली 10,000 रुपये लेके आपके पास 5,000 या 10,000 रुपये तो मिनिमम ले गए, 5,000 रुपये तो आजकल कोई बनाते नहीं दोस्तों, और 10,000 तो ले गए, लेने के बाद आपको डुप्लीकेट आरसी दे देगा, बल्कि वो आरसी कुछ फ़ायदे का ही नहीं है, वो आरसी आप मशीन में डाल के देखिए, वो आरसी डुप्लीकेट आएगा, वो सेम ओरिजिनल जैसा ही रहेगा दोस्तों, लेकिन वो आरसी आपको जब कभी भी स्कैन करने के लिए काम नहीं आएगा दोस्तों। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, प्लीज़ कीप इन योर माइंड दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। आप ऑक्शन में गाड़ी खरीदे, आई एम नॉट डिनेइंग यू डोंट बाय द व्हीकल, लेकिन इस पर क्यों गिरना दोस्तों, बल्कि आप जाएंगे इलीगली, पुलिस वाले पकड़ेंगे, क्राइम हो जाएगा। अगर आप ये कह रहा है कि ओनर से बात करो, ओनर के पास तो आरसी मिलेगा ही नहीं दोस्तों, मेरे को जितना मालूम है, मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ, ओरिजिनल से पूछ के दो तीन गाड़ी परचेज कर चुका हूँ, मैं तीन गाड़ी परचेज करने के बाद इतना मुसीबत में मिला दोस्तों मेरे को, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, मेरा चैनल नया है दोस्तों, मेरे को क्या है, मैं जो सच्चाई वो बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को आपको कुछ नुकसान करो, ये आपको फ़ायदा कर रहा है, ऐसा कभी मत सोचिए दोस्तों। जब कभी भी एक डिसीजन लेने जाते, गाड़ी लेने जाते, प्री ओनर्ड गाड़ी, यू हैव टू टेक द आरसी, यू हैव टू टेक द आरसी। आप कहीं भी ओलेक्स पे गाड़ी खरीदते हो या कहीं भी बाहर डीलर के पास खरीदते हो तो आप आरसी लेते हो ना दोस्तों, तो ऐसा ही एक प्रोसेस होता है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का। आप क्या करते, बिना आरसी के गाड़ी ले लेंगे, आप चालान पे करना पड़ेगा, आपको गाड़ी स्टार्ट करने नहीं देगा, और क्या है दोस्तों, आपको गाड़ी का इंजन का प्रॉब्लम है तो आप ही जिम्मेदार, हेडलाइट काम नहीं कर रहा तो आप ही जिम्मेदार, इंजन कुछ भी हो जाएंगे आप ही जिम्मेदार बन जाएंगे दोस्तों। प्लीज़ लिसन टू द ऑक्शन, ऑक्शन एक प्लेस नहीं है जो कि एक कस्टमर को जाके खरीदना चाहिए, ऑक्शन एक प्लेस नहीं है जो कि एक ईजी बाइंग प्लेस नहीं है दोस्तों, कभी भी याद रखिए, बहुत ही एक समुद्र है दोस्तों, जब बल्कि आप ऑक्शन में जाएंगे तो आपका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा, जो ईजी वे उससे ढूंढिए। आप डीलर के पास खरीदेंगे तो डीलर का तो आपको गारंटी रहेगा ना दोस्तों, ये धोखेबाज के बातों मत आइए दोस्तों, इज़ वेरी फ्रॉड दोस्तों, प्लीज़ मैं कहना चाहता हूँ इसके बातों में मत आइए, ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। आप ये ऐसा ही वीडियो बनाते रहेगा दोस्तों, कभी ना कभी एक दिन ये अरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, मैं 100% श्योर। आप बी केयरफुल, बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, ऑक्शन में जाएंगे तो जल्दबाजी मत कीजिए दोस्तों, अगर जल्दबाजी में पकड़े गए तो आप जेल में जाएंगे। व्हेन आरसी मेकिंग इज लीगल, जब आरसी बनाना लीगल है तो क्यों नहीं बनाया दोस्तों, ये क्यों नहीं बना के दे रहे, तो आप भी सोचिए ना, एक 5 मिनट सोचिए दिमाग लगा के, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे को वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं, आप लोग जाने से मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब बी केयरफुल रहे दोस्तों, केयरफुल, क्योंकि इलीगली में कभी भी मत जाइए, आरसी बनाना इज क्राइम, पुलिस वाले पकड़ लिए, ट्रैफिक पुलिस वाले तो आप वो स्कैन करें गलती से भी तो वो आरसी जो कुछ भी है इट्स गोना कम अंडर क्राइम दोस्तों, बहुत बड़ा क्राइम है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी भी आप सोचिए, अगर ऐसा आरसी बनाना इलीगल है तो मैं भी कुछ ना कुछ गाड़ी चोरी कर दूंगा और उसका भी आरसी बना दूंगा दोस्तों, क्या ये आरसी बनाने का तरीका नहीं है, मैं भी किसी की गाड़ी चोरी कर दूंगा, मैं कह दूंगा कि गाड़ी मेरी है मैं ट्रांसफ़र करा लूँगा, आरसी बनाने से क्राइम दोस्तों, क्राइम, प्लीज़ समझिए दोस्तों, आप उस मुसीबत पे मत जाइए। और गाड़ियाँ जो कुछ भी ऑक्शन पे आते हैं वो वेस्ट गाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो कि एक्सीडेंट हुए गाड़ियाँ आते हैं, जो कि एक इंश्योरेंस में एक्सीडेंट हुए गाड़ियाँ आते हैं और बैंक वाले ले लेते हैं, बैंक वाले लेने के बाद उसका फाइनेंस करते हैं, सीज़ भी गाड़ियाँ आते हैं दोस्तों, हाँ, लेकिन बी केयरफुल दोस्तों, प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इस जैसे धोखेबाजों के बातों में मत आइए। आप जब कभी भी ऑक्शन में जाते, मेरा बात झूठ है तो आप लोग मेरे चैनल को, मेरा वीडियो को डिसलाइक कर सकते दोस्तों, मेरा वीडियो को सर कोई डिसलाइक कर सकते, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।